बल बचाओ किसान संघर्ष समिति का प्रतिनिधि मंडल जोगिंदरनगर बालिया की अध्यक्षता में उपायुक्त मंडी से मिला। इस प्रतिनिधि मंडल ने टमाटर व सब्जी उत्पादक किसानों की समस्याओं को उनके समक्ष रखा। प्रतिनिधि मंडल में शामिल किसान प्रतिनिधियों ने कहा कि टमाटर का ये तुड़ान कस्मे है। जिला में नेर चौक मंडी, सुंदर नगर, डडोरब, चेल चौक में सब्जी मंडियां होने के कारण ये मंडियां टमाटर का बहुत कम हिस्सा ही उठा पाती हैं। व्यापारी बाहरी राज्यों से आते हैं जो टमाटर की खरीद करते हैं और कुछ स्थानीय लोग अपनी गाड़ियों में टमाटर बाहरी राज्यों की मंडियों में ले जाते हैं। इस प्रक्रिया में सरकार का दखल ना होने की वजह से अफरा तफरी में टमाटर का रेट नहीं बनता, जबकि टमाटर की उत्पादन लागत करीब 10 है और मंडियों में आजकल टमाटर की खरीद मात्र 4 से 5 रुपए प्रति किलो की जा रही है, जिसमें किसानों को काफी नुकसान हो रहा है। संघर्ष समिति ने मांग की है कि कोविड-19 महामारी तथा प्रकृति का साथ न मिलने के कारण हुए नुकसान का मुआवजा अब समर्थन मूल्य किसानों को दिया जाए। इस अवसर पर किसान सभा के अध्यक्ष परसराम ने कहा कि इसका फैसला राज्य सरकार को करना है, जबकि अस्थायी मंडियों पर फैसला उपायुक्त मंडी ले सकते हैं। इसलिए उपायुक्त से समिति ने आग्रह किया है कि वे अस्थायी सब्जी मंडियों का गठन APMC मंडी जिला कमेटी के माध्यम से लागू करवाएं, जिससे किसानों को तुरंत राहत मिल सकती है। ये मंडियां कंसा चौक, ढावन, राजगढ़, घट्टा, चलखा, साइन, डिनंग, मेराम, शीत और नलसर में स्थापित की जाएं, जिनकी निगरानी विभागीय अधिकारियों द्वारा की जाए। प्रतिनिधि मंडल में नंदलाल वर्मा, हरिराम चौधरी, गुलाम रसूल, भवानी सिंह, इस्माइल मोहम्मद आदि शामिल रहे। आज ये जो प्रतिनिधि मंडल मिला था, ये बल बचाओ किसान संघर्ष समिति के बंदर तले साथी जोगिंदर वालिया की अध्यक्षता में हम मिले हैं। ये आज जो समस्या हमारे पास है वो है टमाटर, जो बल में आज बिल्कुल तुड़ान पर पड़ा हुआ है। हमने एक ज्ञापन पहले भेजा है CM को, उसमें मांग करी थी कि बीमारी लगी है टमाटर को और बहुत सारा टमाटर हमारा खराब हो चुका है। अगर किसान का करीब 70% खराब है, उसका इस मौके पे जब ये कोरोना का मौका है उसका आकलन कराओ और उसका मुआवजा दो। दूसरी मांग थी हमारी कि समर्थन मूल्य जो स्वामीनाथन आयोग है उसकी स्पर्शों के हिसाब से दो। तीसरी थी कि अस्थायी सब्जी मंडियां लगाई जाएं। तो दो मांगों के पे तो फैसला सरकार ने लेना है, मगर तीसरी जो है, जो अस्थायी सब्जी मंडी है, उसका फैसला DC महोदय ने ये अपने लेवल पे कर सकते हैं। इसी सिलसिले में आज हम इनसे मिलने आए थे कि कम से कम होता है कि वहां पर जब ये बाहर से व्यापारी आता है तो मनमाने ढंग से अफरा तफरी में रेट तय होते हैं और बिचौलिए बहुत सारे बन जाते हैं, जिससे किसान तक उसका सही रेट नहीं पहुंचता है और कम्पिटिटिव मार्केट भी नहीं बन पाती। इसलिए हमने आज इनको रिक्वेस्ट करी है और इन्होंने एक आश्वासन दिया है कि ये APMC से डिस्कस करके, उनसे बात करके, ये बल के बीच में या सुंदरनगर या नाचन का जो इलाका है उसके बीच में अलग अलग जगह पर, हमने इनको 10 स्थान सजेस्ट किए हैं कि उन पे सब्जी मंडियों का अस्थायी सब्जी मंडियों का गठन किया जाए, जिस प्रकार सेब के लिए होता है। उससे ये होगा कि किसान उस जगह ले जाएगा और जो बिचौलिया बीच में है वो निकल जाएगा किनारे। अदरवाइज तो आजकल तो 4-5 रुपए प्रति किलो रेट आ रहा है, जबकि उत्पादन लागत जो है 10 रुपए प्रति किलो है टमाटर की। तो ये इसलिए हम आए हैं आज और उम्मीद है कि इसमें कुछ समाधान निकलेगा।